हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का ये पार्ट वन है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी। स्टूडेंट्स, इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है जिसमें 1 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग 21 से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का, देखिए लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक सामाजिक गतिविधि है लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कि जो विचारों की अनुत्क्रमणीयता है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन है 24 का, कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम इतना से इतना तक है। इसमें राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर 2, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला होगा देखिए कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा उनका अन्वेषण करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे के अनुसार। अगला है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 28 का, ये होगा जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक हो, इसको विशिष्ट, इन सभी चीज़ों को विशिष्ट लिंग के साथ अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक जो होता है ना कि एक कट्टरपंथी जेंडर का जो होता है कि हाँ ये फीमेल, ये कलर केवल फीमेल को ही सूट करेगा, ये ड्रेस केवल मेल के लिए ही है। ठीक है, ये टॉय केवल बेबी गर्ल ही मतलब खेलेगी उससे, कोई भी ये खिलौना बेबी बॉय ही खेलेगा। तो ये सब जो ये थॉट है, सोच है, तो ये सब इसको क्या हम कहेंगे, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्प मिल सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ना ही लाइक करने में, ना ही इसको शेयर करने में, लेकिन हाँ इसका एक फ़ायदा ये है कि मुझे ज़रूर से पता चलेगा आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपलोड करूँगी। ठीक है, तो इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इसको कीजिए आप लोग और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए सभी तक ताकि सभी लोगों को एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसके पहले पार्ट का स्टूडेंट्स लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए गए हैं तो आप डिफरेंट ईयर्स के पेपर्स को भी, सॉल्व पेपर को देख सकते हैं वहाँ से और रिलेटेड वीडियोस को। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। क्या है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो वह अनुभव क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है,
कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला पार्ट फिनिश होता है। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट, मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी हम लोग मैथमेटिक्स का ये भाग 2 जो है ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो 31 से जो है ये पार्ट सेकंड शुरू हो रहा है। तो देखिए इसमें मैथ्स का जो पार्ट है इसमें 31 से शुरू हो रहा है। इसका क्वेश्चन देखिए है 31 नंबर का कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों को का प्रयोग करके समावेशित शिक्षा विद्यालय में आप जो है अपनी कक्षा के जो विजुअल हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं को हम शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके उनकी हम आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ओके, अगला है कि कक्षा 3 का के छात्र ने ये 3rd का जो बच्चा है ये 16x25 का गुणन इस प्रकार किया है। ये उसको उसने गुणनफल किया है, उसको यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1, साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया है। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक शिक्षा संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसका होगा मापन। ठीक है, मापन जो है ये प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए बी दोनों ही यहाँ पे सही होगा। कि ए देखिए क्या दिया है कि संख्यांक एक प्रतीक होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 34 का स्टूडेंट्स होगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी दोनों ही शुद्ध हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंठस्थ करना जो होता है ये गणितीय प्रक्रम नहीं है। 35 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे मैं रोकती हूँ, इसके आगे क्वेश्चंस को इसके अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।